देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.7 में थे, और उसमें हमने एप्लीकेशन पढ़ी। एप्लीकेशन मतलब किस चैप्टर के फायदे क्या हैं, और कई बार बता लिया कि जब भी आप किसी चैप्टर के फायदे पढ़ोगे ना, तो कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से भी माननी पड़ सके। तो क्वेश्चन देखो भाई, सब कुछ क्वेश्चन दे आना समझ में। देखो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको 21 करवा दिया, अब तुम पढ़ो 22। पर उससे पहले तुम एक बेस सुनो भाई। देखो बेस मेरा क्या है, देखो वो ये को है, मान लो कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, कोई भी कौन हो 2 डिजिट नंबर, मान लो मैं 26 ही ले लिया, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, मान लो मैंने क्या ले लिया 26। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकूं, 10 × 2 प्लस में कौन 6, 10 × 2 और प्लस में कौन 6 में लिख सकता हूं। यानी कोई भी 2 डिजिट का नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर है, तो उसको आप 10 × में यूनिट प्लेस प्लस में ना, ये मेरा कौन होता भाई, ये मेरे उस नंबर का यूनिट प्लेस है, ये कौन उस नंबर का भाई 10 प्लेस है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, ये उसका यूनिट प्लेस, ये उसका कौन है मेरा 10 प्लेस है। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, उसको आप लिख पाओगे 10 × में 10 प्लेस प्लस में कौन यूनिट प्लेस। यानी कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर वो कैसा होता है मेरा 10y प्लस x टाइप का होता है, 10y प्लस x टाइप का होता है। और y उसमें कौन है भाई, y उसमें मेरा 10 प्लेस होगा, y मेरा कौन होगा 10 प्लेस, जो 10 के साथ में लिखा हुआ है वो 10 प्लेस, y मेरा कौन होगा उस नंबर के 10 प्लेस वाला डिजिट होगा, और x मेरा कौन होगा भाई उस नंबर के यूनिट प्लेस के ऊपर लिखा हुआ डिजिट होगा। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो वो कैसा होता है मेरा 10y प्लस x टाइप का होता है, उसमें y कौन होता है मेरा 10 प्लेस, और x मेरा कौन होता है भाई यूनिट प्लेस होता है। और ये x और y मेरे कौन होते हैं, ये मेरे उस नंबर के डिजिट होते हैं, x और y मेरे कौन होते हैं भाई उस नंबर के डिजिट होते हैं। तो अब इसको प्रवेश, हाँ एक चीज और, तो x और y मेरे कौन उस नंबर के डिजिट, वो नंबर कैसा होगा फिर 10y प्लस x, y होगा 10 प्लेस और x होगा उसका यूनिट प्लेस। अगर आप इस नंबर के, अगर आप इस नंबर के जो डिजिट है ना उनको इंटरचेंज कर दोगे, इंटरचेंज मतलब जो यूनिट प्लेस के ऊपर है वो लिख दो 10 प्लेस पे, जो 10 प्लेस के ऊपर वो लिख दो यूनिट प्लेस पे, तो जो आपका नंबर है ना वो कौन हो जाएगा इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट। अगर आप डिजिट को उल्टा कर दोगे, यानी जो डिजिट उसके 10 प्लेस पे लिखा है वो तो लिख दोगे कहां यूनिट प्लेस के ऊपर, जो लिखा यूनिट प्लेस के ऊपर वो लिख दो कहां 10 प्लेस के ऊपर, तो जब आपका नंबर 10y प्लस x है ना वो कौन हो जाएगा भाई 10x प्लस y, ये हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना भाई 2 डिजिट नंबर, जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा हो 2 डिजिट नंबर, तो वो कौन होगा 10y प्लस x होगा, y उसमें कौन है उसका 10 प्लेस और x उसका कौन है यूनिट प्लेस। x और y को क्या बोलोगे डिजिट। अगर आप उस नंबर के जो डिजिट है ना उनको इंटरचेंज करोगे तो वो नंबर फिर 10y प्लस x से किस में चेंज हो जाएगा 10x प्लस y। क्वेश्चन देखो इसके ऊपर बेस, तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो भाई। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं 2 डिजिट नंबर, तो उसकी जो शुरुआत है
वो आपने फिर ऐसे ही करनी पड़ेगी भाई। तो क्वेश्चन नंबर 22 भाई, देखो 22 में क्या लिखा हुआ है, ए टू डिजिट नंबर, ए टू डिजिट, ए टू डिजिट नंबर इज सच डेट, इज सच डेट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट में कौन है मेरी, इज एट, इज एट। उसके बाद क्या हुआ है, व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड, व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, फ्रॉम द नंबर में, फ्रॉम द नंबर, फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, द डिजिट, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, द डिजिट इंटरचेंज, इंटरचेंज देयर प्लेस में, इंटरचेंज देयर प्लेस। पढ़ने पर क्या लिखा हुआ है, कोई टू डिजिट का नंबर है, जैसे उन्होंने यह बात बोली नहीं, कोई टू डिजिट नंबर है तो आपके मन में आना चाहिए वो टेन वाई प्लस एक्स होगा, कौन होगा वो, टेन वाई प्लस एक्स होगा, और उसमें वाई कौन होगा, उसका टेन प्लेस, और एक्स उसका कौन होगा, यूनिट प्लेस। तो शुरुआत आप इस कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन में, तो लेट टेन प्लेस बी, या फिर लेट यूनिट प्लेस बी एक्स एंड टेन प्लेस, एंड टेन प्लेस बी, तो वो मैंने क्या मान लिया, वाई मैंने मान लिया, यूनिट प्लेस मैंने एक्स मान लिया, और टेन प्लेस मैंने कौन मान लिया भाई, वाई मैंने मान लिया। तो देन देन नंबर इज, देन नंबर इज, तो नंबर मेरा कौन होगा, तो नंबर मेरा बनेगा फिर टेन वाई प्लस एक्स होगा, तो नंबर कौन होगा आपका, टेन वाई प्लस एक्स होगा। अब इसमें क्या खासियत है, इसमें खासियत है भाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज एट, ये जो नंबर है ना इसके डिजिट की प्रोडक्ट, इसमें कौन कौन डिजिट है, एक तो एक्स और एक वाई, वो कौन है मेरी, एट है भाई। ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन प्रोडक्ट ऑफ, ऑल्सो गिवन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज कौन है मेरी भाई, एट है, एंड देयर फोर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कौन है मेरी, एट है। एक तो यहां ये चीज आ गई, उसके बाद क्या है, व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इस नंबर में से, इस नंबर में से जब आप 18 को करोगे सब्ट्रैक्ट, इस नंबर में से जब आप 18 को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, कौन है मेरा नंबर भाई, नंबर है टेन वाई प्लस एक्स, इसमें से 18 को करोगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द नंबर डिजिट इंटरचेंज, तो इस नंबर के जो डिजिट है वो क्या हो जाए, इंटरचेंज। और जैसे आपके डिजिट इंटरचेंज होंगे तो ये नंबर टेन वाई प्लस एक्स से किस में चेंज हो जाएगा, टेन एक्स प्लस वाई। तो कहो इस नंबर मत है, आप 18 को माइनस करोगे ना तो ये नंबर कौन हो जाएगा, टेन एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, एंड इसके डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे, पर डिजिट इंटरचेंज होते ही तो नंबर कौन हो जाएगा मेरा, टेन एक्स प्लस वाई। करना सोल एक बार, एक्स वाले एक तरफ और ले जाओ सबको साइड, टेन एक्स माइनस में एक्स यानी आपका नाइन एक्स होगा, वाई माइनस में टेन वाई माइनस का नाइन वाई, और इधर मेरा कौन है इज इक्वल टू माइनस का 18। अब देखो
सारे आपके 9 से कटे हैं, तो आप काट लो भाई, काटो 9 से, x माइनस वाई इक्वल टू कौन है, माइनस का 2, x माइनस में वाई इक्वल टू कौन है, माइनस का 2 हो गया मेरा। अब तुम एक काम और करो, यहां से जो है ना, या तो x निकाल लो या y, और इसमें कर दो पुट, या तो x या y, तो इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1। चलो हमने y निकाल लिया, तो y की वैल्यू कौन होगी, 8 बाई x, इसमें जहां भी y है वहां लिखो 8 बाई x। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस, तो जहां पर y है वहां लिखोगे 8 बाई x इज इक्वल टू कौन है मेरा, माइनस का 2 है। अक्रॉस ऑल या तो x एलसीएम ले लो, या फिर ये कह दो कि आपने दोनों साइड x से कर दिया मल्टीप्लाई एक के बाद, या तो x ले लो एलसीएम, या फिर कह दो कि आपने दोनों साइड x से कर दिया मल्टीप्लाई, बात बराबर है, करना x से मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, जब यहां x से करोगे मल्टीप्लाई तो x से x कैंसिल हो गया, 8 इज इक्वल टू x से करो मल्टीप्लाई माइनस का 2x, लिया सब कुछ इस साइड, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 तो है इज इक्वल टू कौन, 0। देखो x में क्वाड्रेटिक है, x में कैसी मेरी क्वाड्रेटिक बन गई, तो ये मैं सॉल्व करनी आवे, करना सॉल्व एक बार, तो चलो मैं फैक्टर दे कर दूं सॉल्व, क्या होता है फैक्टर मेथड, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो 8 इनटू 1 80 हो गया। अब 8 के दो हिस्से करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे प्लस का 2 आता हो, तो ये बना दो 4 इनटू 2 बना दोगे, 4 इनटू 2, अब प्लस का 2 है ना, तो प्लस का तो 4 और माइनस का 2, और इसके फैक्टर कौन होंगे, x प्लस में 4 एक x माइनस में 2, x प्लस में 4 और एक x माइनस 2 इज इक्वल टू कौन, 0। अब एक बार इसको 0 लिखोगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार तो x प्लस में 4 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस में 2 इक्वल टू 0, यहां से x मेरा कौन आया, माइनस का 4, यहां से x 2, तो क्या x इक्वल टू माइनस का 4 हो सकता है, क्या हो ही नहीं सकता, x मेरा माइनस का 4, क्योंकि x मैंने क्या मान रखे हैं, यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस के ऊपर कभी भी जो नंबर है माइनस का तो वो होगा नहीं, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इज रिजेक्टेड भाई, तो x मेरा कौन आ गया 2, और ये x 2 भाई यहां पर लिखने y आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x यहां लिखने 2, तो y कौन होगा 8 बाई 2 यानी 4 होगा, y होगा मेरा 4, और x y ऑन दे जो नंबर आ जाएगा, तो नंबर कौन होगा फिर, therefore नंबर इज, तो नंबर मेरा कौन होगा 10 y, 10 into 4, तो 10 into 4 40 और plus x यानी 42 हो गया मेरा, तो ये होगा ना सूत्र पे। तो जब भी वो ये कहो ना कोई 2 डिजिट का नंबर है, तो वो 2 डिजिट का नंबर 10y plus x टाइप का होता है, 10y plus x टाइप का, और इसमें x और y मेरे कौन होते हैं, डिजिट होते हैं, y कौन होगा 10 प्लस वाला, और x मेरा कौन होगा भाई, यूनिट प्लेस वाला होगा। उसके बाद अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर दोगे तो ये नंबर इसमें चेंज हो जाएगा, यानी 10x plus y में चेंज होगा। उसके बाद हमने कर लिया, तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना कि टू डिजिट नंबर, तो यहां तक तो हर बार लिखोगे, यहां तक तो जो है ना क्वेश्चन के अंदर हर बार आपको लिखना पड़ेगा कि लेट यूनिट प्लेस x और 10 प्लेस मैंने क्या मान लिया y, तो नंबर कौन होगा 10y plus x। अब इसके बाद अगर मेरे पास x और y आ गए तो समझो नंबर आ जाएगा। अब x और y आप कैसे निकालोगे, x और y को निकालने के लिए
आपको कंडीशन दी मिलेंगी। अब कंडीशन देखो कितनी दी रखी है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो आपका नंबर है ना उसके डिजिट की प्रोडक्ट 8 है। डिजिट की प्रोडक्ट कौन है मेरी? 8 है, तो कर दिया हमने प्रोडक्ट। उसके बाद अगर आप नंबर मत हैं, अगर आप नंबर में से 18 माइनस करोगे तो उसके डिजिट क्या हो जाए? इंटरचेंज, यानी वो नंबर ही वो बन जाए। तो सोल्व करा एक ही होता, बाकी हमने सोल्व कर दिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा हो गया ये 22। अब 23 और 24 बिल्कुल सेम है भाई, तो ये फिर आपने करने हैं 23 भी और 24। अब 25 और 26 वैसे मैंने पैसे से करवा दिए बहुत, फिर भी चलो एक करना होता है तो कर लो भाई। तो 26 ना कौन कौन से मत है भाई? 25 और 26 मत है, बोलो कोई एक और। खाली समझा दो, करना आपने है भाई, देखना एक बार। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 25 और 26 है ना, इसमें क्या बनेगा भाई? दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 3 है, दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस कौन है? 3 है। अगर एक नंबर में x मान लो, ये बात मैं आपको स्पेशली बोल रखी है, अगर वो जब भी एक होगा नहीं कि दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 3 है, तो एक नंबर अगर आप x मानोगे ना तो सेकंड अपने आप कौन होगा भाई? x माइनस 3 होगा। दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 3 है, तो अगर एक x दूसरा कौन होगा? x माइनस 3। उसके बाद क्या हुआ है? इनकी प्रोडक्ट 504 है, इनकी जो प्रोडक्ट है वो कौन है मेरे भाई? 504। अब इसको सोल्व करो, x स्क्वायर माइनस का 3x, इसको ले आओ इस साइड, 504 इक्वल टू कौन है? 0। क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सोल्व करो x आ जाएगा, वो x यहां लिखो तो नंबर आ जाएंगे। तो चलो आज आपने जो है ना क्वेश्चन नंबर 26 तक करना है, बाकी फिर कल करेंगे भाई।